सीएससी बिजली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी चलाते हैं या पहली बार नई सीएसपी लिए हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है ये वीडियो। मित्रों, मैं इसमें बता रहा हूं कि जो भी आप फिनो पेमेंट बैंक से निकासी करते हैं यानी जो ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन को आप अपने सेटलमेंट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे निशुल्क। दिन भर में 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार चाहें उतनी बार ट्रांसफ़र करें। 2 लाख तक IMPS, 2 लाख से अधिक है तो नेफ्ट। IMPS करते हैं तो तुरंत आपके खाते में पहुंच जाता है, नेफ्ट करते हैं तो आधे से 1 घंटा समय लगता है। तो मित्रों, आप भी अपनी ID खोल लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक ID खोल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ID खोल कर मैं बता रहा हूँ कैसे आपका जो है इसे आप ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत छोटा सा वीडियो है। देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी ID लॉगिन किया। इस तरह से आप भी अपनी ID लॉगिन कर लीजिए। ID लॉगिन करने के बाद जो है आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का, आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर ID या अकाउंट नंबर, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप डालेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। सर्च कर दीजिए यहाँ पर। देखिए, सर्च करते ही आपका एक पोर्टल खुल करके आ जाएगा। इसमें आपकी बहुत सारी डिटेल लिखी होंगी और यहाँ पर नीचे ओपन अकाउंट, बिल पेमेंट, रिचार्ज, रेमिटेंस, रिवर्सल और स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं। लेकिन मित्रों, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। पैसा आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो चार्ज लग जाएगा आपका। सबसे ऊपर देखिए, बाईं बगल यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्किंग। वॉल्किंग के ठीक सामने देखिए केरो बना हुआ है नीचे की तरफ। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास कितनी अकाउंट हो दिखाएगा। जैसे मेरे पास 2 अकाउंट है, लेकिन आपके पास 2 अकाउंट नहीं, शायद एक ही अकाउंट होगा। अगर 2 है तो ठीक है। जो आपका अकाउंट है, एक्चुअल अकाउंट है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए, ऑप्शन खुल करके जो यहाँ पर आ गया वो देखिए, एड अकाउंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, रेमिटेंस, इंश्योरेंस। अगर BC to BC किसी को पैसा भेजना है तो यहाँ भेज सकते हैं। और आप रेमिटेंस पर क्लिक करेंगे अपना खाता में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, जो आपका सेटलमेंट अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, तो रेमिटेंस पर क्लिक करेंगे। देखिए, रेमिटेंस पर क्लिक करते ही मेरा देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर खुल करके आ गया, जो लिखा हुआ है जन सेवा केंद्र अकाउंट नंबर और जो भी हमारी डिटेल्स हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पर ब्लैंक मिलेगी आपको, तो एड बेनिफिशियरी करेंगे और एड बेनिफिशियरी करके अपना डिटेल यहाँ पर डालेंगे, सब कुछ डिटेल सही सही भरेंगे। उसके बाद आप चाहते हैं डिटेल में कोई दिक्कत आपको ना हो या शक होता है आपको, तो 1 रुपया आप वेरीफाई करा देंगे, 1 रुपया आपके खाते से कट जाएगा, वो आपके खाते में 1 रुपया पहुँच जाएगा। वो वेरीफाई करने का चार्ज है, वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके डिटेल्स कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, मेरा ही अकाउंट है। उसके बाद उसे आप ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद जो है देखिए, यहाँ पर IMPS और नेफ्ट का ऑप्शन है। अगर आप IMPS करते हैं, देखिए मैं उदाहरण के तौर पर मैं 10,000 रुपया ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, मैं 10,000 IMPS कर रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ कैलकुलेट अमाउंट कर रहा हूँ। देखिए, मेरा कोई चार्ज नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब देखिए, मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पर दिखा दिया मेरा अकाउंट नंबर किस बैंक में है, कहाँ पर है। यहाँ से देखिए, मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, एक OTP आएगा। ये OTP आपके मोबाइल पर जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया। अब देखिए, मेरे खाते में मेरा पैसा पहुँच गया, फंड ट्रांसफ़र हो गया, कोई चार्ज नहीं लगा और तुरंत मेरे खाते में पैसा पहुँच गया। तो इस तरह से आप भी अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करिएगा या मेरे से संपर्क करिएगा, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा कि आपका जो अकाउंट नंबर मिस भी अगर हुआ है तो मैं सही कर दूँ या सही अकाउंट को ऐड कर लें। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।